नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। कांग्रेस ने हरियाणा में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुमारी शैलजा का इस्तीफा पार्टी ने मंजूर कर लिया है। पार्टी ने दलित नेता उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं जिन्हें पार्टी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वे हैं श्रुति चौधरी, रामकिशन गुज्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता। पिछले दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा की पार्टी नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने नेताओं के साथ मिलकर काम करने को कहा था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुमारी शैलजा को हटाकर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को कमान सौंपे जाने की वकालत की थी। सोमवार को हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने पार्टी चीफ सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद पर बैठक की थी। खास बात यह है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी पहले ही नेतृत्व में बदलाव की तैयारी कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस मजबूत आधार तैयार करने के लिए संगठन स्तर पर बदलाव करने की प्रतिक्रिया में है। दूसरी ओर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता के कारण भी कांग्रेस में चल रही तनातनी को खत्म करना जरूरी हो गया है। हाल ही में कांग्रेस को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने संगठन में बदलाव करने का फैसला किया है। इसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।